गुड मॉर्निंग साथियों, नाम मेरा सुरेश कुमार प्रजापति, आप देख रहे हैं टीएसकेपी। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे, क्योंकि आपके लिए हम एक अच्छे अच्छे हेल्पफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। एक अच्छी थॉट के साथ हम एक अच्छी स्टोरी आपके साथ पेश करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, धैर्य। क्योंकि कुछ लोग धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं और कहीं ना कहीं जब उनका धैर्य टूट जाता है तो कहीं ना कहीं वो दोबारा नहीं बाउंस बैक कर पाते हैं। तो वो इसी चीज़ को लेते हुए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। दो राजा थे और उनके बीच में जब युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं वो युद्ध के बीच में एक राजा हार जाता है। तो जो राजा हारता है तो उस जो राजा जीतता है, हारने वाली राजा की सारी सेना को और जितने भी उसके मंत्री थे उन सभी को कैद कर लिया जाता है। और जो उसका स्वाभिमान मंत्री था, जो यंग मंत्री था, उस मंत्री को और उसकी पत्नी को एक उससे बोला जाता है कि अगर आप राजा की गुलामी स्वीकार करते हो तो आपको खाना दिया जाएगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं भूखे मर जाओगे। और उनको दोनों को एक साथ एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। और जिस कमरे के अंदर उनको कैद किया जाता है, कहीं ना कहीं उस कमरे में 100 ताले लगे होते हैं, 100 दरवाजे होते हैं और 100 ताले लगे होते हैं। और जो उसकी लेडीज होती है, जो उसकी मिसिज होती है, जो पत्नी होती है उस मंत्री की, वह निराश होके बैठ जाती है और वह भूख के मारे वह कहीं ना कहीं उसकी हालत जो है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती रहती है। पर जो मंत्री होता है वह अपने स्वाभिमान, अपने धैर्य को बना के रखता है और वह जैसे ही तालों पर धक्का लगाता है और वह कंटिन्यू अपना प्रेशर लगाता रहता है उन तालों पर जाके, तो वो दरवाजे का उनसे कुछ भी धक्के से कुछ नहीं होता है। वह 20-25 धक्कों दरवाजों को धक्का लगा के और फिर वापस बैठ जाता है। और उसकी लेडीज कहती है, आपको पता नहीं है कि इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, क्या इतने बड़े ताले आप तोड़ पाओगे? वह निराश हो जाती है। बट उसका जो हस्बैंड होता है, जो मंत्री होता है, कहीं ना कहीं वह धैर्य बनाए रखता है और वह फिर द्वारा उसी प्रोसेस को जारी कर देता है। और वह धीरे धीरे करके वह 99 दरवाजे इन पर धक्का लगा देता है और उनमें से उसको एक भी ताला कहीं तैसे मस नहीं होता है। और वह उस चीज को देख के फिर बैठ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपको चारों तरफ से कहीं ना कहीं अंधेरा दिखता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक किरण रोशनी की जरूर आती है। वह फिर दोबारा से बाउंस बैक करता है, जो लास्ट का ताला 100वां रहता है, और उस ताले पे जाके कहीं ना कहीं वह फिर दोबारा से प्रेशर लगाता है। तो जो उस लास्ट का 100वां ताला होता है, उसके जो दरवाजे के उस दरवाजे के जो कब्जे होते हैं वो कहीं ना कहीं चुरमराते हैं। अब उसको रियलिटी में विश्वास हो जाता है कि हाँ, यह दरवाजा खुल सकता है। और वह बड़े उत्साह के साथ और बड़े जोश से उस ताले को फिर दोबारा से धक्का लगाता है, उस दरवाजे को फिर दोबारा से धक्का लगाता है और वह दरवाजा ओपन हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पेशेंस बना के और अपना धैर्य को नहीं खोते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने धैर्य के साथ जीते रहते हैं और अपने स्वाभिमान के साथ चलते हैं, तो एक रोशनी की किरण आपको जरूर मिलती है और आप अपने उस गोल में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग एक बार, दो बार, तीन बार फेल होते हैं अपनी लाइफ में, कई बार कंडीशन खराब आती हैं तो उसकी वजह से वो धैर्य खो देते हैं और अपना आपा खोने के बाद फिर दोबारा उन चीजों को वो नहीं करते हैं। अरे आप 99 बार करके देखो, चाहे पता नहीं कि आपका 100वीं बार शायद आप अपने उस गोल पर पहुंच पाए। और जब आप पेशेंस बना के रखते हो कहीं ना कहीं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप पा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लोगों के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। और जब धैर्य नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बड़ी अचीवमेंट नहीं पा सकते, क्योंकि बिना धैर्य के, बिना अचीवमेंट के कुछ नहीं होता, जब तक आप धैर्य बना के रहोगे। तो इसीलिए आपको कोई भी आप गोल बनाते हैं, जो भी आप गोल बनाते हैं, अगर आप अपना पेशेंस बना के रखते हैं और धैर्य बना के रखते हैं, और क्योंकि देखो कठिनाइयां तो आएंगी, अगर आप या तो हार मान के बैठ जाते हो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जब आप जीत की तरफ और फुल उत्साह के साथ आप लगे रहते हो तो एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल हो जाते हो, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी थी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जरूर कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें भी एक बहुत ही अच्छा उत्साह मिलता है जब आप लोग इतना अच्छा प्यार देते हैं। तो थैंक यू।